अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, लाइव 10 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं तनु। सिवान में एमएलसी पद के निर्दलीय उम्मीदवार रईस खान पर AK-47 से फायरिंग की गई। इस घटना में रईस खान बाल बाल बच गए, लेकिन एक युवक की मौत हो गई जबकि कई अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब इस गैंगवार में पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब का नाम सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रईस खान पर फायरिंग मामले में पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है, जिसमें मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब का नाम भी शामिल है। यह पहला मौका है जब गैंगवार में उसामा साहब का नाम सामने आया है। MLC प्रत्याशी रईस खान के मुताबिक सिवान शहर के पुराने किला कार्यालय से गाँव ग्यासपुर की ओर जा रहे थे, तभी महुवल गाँव के पास उसके ऊपर फायरिंग की गई। इस हमले में AK-47 का इस्तेमाल हुआ था, जिसकी चपेट में आने से एक युवक की जान चली गई। उन्होंने दावा किया है कि यह हमला उनके बढ़ते कद को देखते हुए उन पर करवाया गया है। DIG के मुताबिक मामले में 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, इसमें कुछ गिरफ्तारी भी की गई है। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि बिहार से जुड़ी तमाम ताज़ा खबरें सबसे पहले पहुँचेंगी आप तक।